हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.3 का 2 का फर्स्ट और सेकंड सवाल। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बिंदु संरेखी हो। तो फर्स्ट वाला हल करते हैं। देखिए, हल करने से पहले लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेख है इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चलिए लिखते हैं। देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है, तीनों बिंदु संरेख है तो एक ही लाइन में तीन बिंदु है जो कि संरेखी है। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट वाले सवाल में तीन बिंदु दिया है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3, k। तो हम लोग को k का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको बोलेंगे x1, इसको x2, x3, y1, y2, y3। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 -y3 + x2 y3 -y1 + x3 y1 -y2। हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, इसको बैठाते हैं फॉर्मूला में, कैसे बैठेगा, x1 यहाँ पे रखेंगे, 1/2 x1 7 है, y2 इसको बोलेंगे y2 1 है, -y3 यहाँ k है, x2 इसको बोलेंगे x2 + 5, y3 यहाँ पे k है, y1 यहाँ पे -2 तो प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x3 यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, y1 -2 है, y2 यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट बंद। हम लोग क्या लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखीय में 0 होता है, तो इधर 0 लिखेंगे, 0 बराबर 1/2, तब हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो 7 माइनस यहाँ पे 7 को इससे करेंगे तो 7 के जोड़, इसको इससे गुना करेंगे तो 5 के, इसको इससे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 3 है, और इधर इसको अंदर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, ब्रैकेट बंद। देखिए, यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0 में 1/2 को भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 17, k वाला को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2k हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -9, इसको देखिए उठा के इसको इधर टपाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2k, 17 - 9 कितना हो जाएगा, 8, तो k बराबर हो जाएगा, इधर गुना इधर आएगा तो भाग, 8/2, 2 से कटेगा 4, k बराबर 4, आंसर आया। देखिए, हम लोग पहला हल कर लिए, अब दूसरा सवाल हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 -y3 + x2 y3 -y1 + x3 y1 -y2।
अब देखिए मान रखते हैं इसमें 1/2 प्रश्न से इधर क्या हो जाएगा, संरेखीय है तो त्रिभुज में इधर 0 हो जाएगा। x1 कितना है 8 इंटू y2 यहाँ पे -4, y3 -5 तो यहाँ +5 हो जाएगा। यहाँ पे x2 कितना है, यहाँ पे k है इंटू y3 -5, y1 1, x3 कितना है 2, y1 यहाँ पे 1, y2 यहाँ पे -4 तो +4 हो जाएगा। इधर 1/2 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग आएगा, भाग तो 0 में 1/2 को भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर 8। इधर घटेगा तो कितना होगा 1 बचेगा। यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे इसके अंदर, तो पहले इसको इससे तो -5 के, फिर यहाँ इससे करेंगे तो माइनस के, फिर यहाँ कितना हो जाएगा ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 0 बराबर यहाँ पे 8, यहाँ पे जुटेगा तो हो जाएगा 6 के +10। ये -6 को इधर टपाएंगे तो हो जाएगा +6 के, चिन्ह परिवर्तन होता है समीकरण में, तो इधर ये दोनों जुटेगा तो 18, तो इधर के बराबर हो जाएगा इधर गुना तो उधर आएगा तो भाग 18/6, 3 यहाँ पे 9, फिर ये 3 3 9 तो के बराबर हो जाएगा 3, आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। I'm going to go to the other side.